जय राम जी की दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम आपको अपने यहाँ के दो तीन गांव को दिखाने वाले हैं, और ये गांव हमारे जो नज़दीकी मार्केट है बरियाउन उसके उस पार हैं। और हमारे एक सब्सक्राइबर जी की ख्वाहिश थी कि उनके गांव को दिखाया जाए, अमरौला। तो चलिए आपको दिखाते हैं, और वो तमसा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो चलिए चलते हैं। फिलहाल अभी हम बरियाउन चौराहे के उत्तरी छोर पर बेवफा चाय वाले दुकान के पास में हैं, और यहाँ से आगे चलेंगे पट्टी की तरफ। मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर पर मोड़ है, जहाँ से हम सलहदीपुर अमरौला गांव की तरफ चलेंगे, और आपको अपने यहाँ का एक पारंपरिक गांव दिखाते हैं, जो शुद्ध देहात है वो दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, तमसा नदी के किनारे पर बसा हुआ, ऊँची ऊँची और नीचे नीचे खेत जैसे पहाड़ियों पर आपको दिखाई देते हैं, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। एक पारंपरिक शुद्ध पारंपरिक गांव जो हमारे अयोध्या मंडल के क्षेत्र में आता है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। और हाँ, जो हमारा ये बरियाउन है, यहाँ से आजमगढ़ की दूरी 70 किलोमीटर और अयोध्या की दूरी भी समथिंग अराउंड इतना ही है, कुछ कम होगा। तो फिलहाल चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। शाम के 5:30 बजने वाले हैं, अभी अप्रैल का महीना और शाम का समय एकदम खूबसूरत, सुहावना, बेहतरीन। तो नहा धोकर निकल चुके हैं थोड़ा सा सैर करने के लिए, यूँ मान लीजिए बाइक राइड करने के लिए। ये है हमारे बरियाउन बाज़ार का ठेका। ठेका मतलब देसी शराब, अंग्रेजी शराब और बियर की दुकान। अभी शाम के 5 बजे हैं, एक्चुअली में 5 नहीं 5:30 बजे हैं। तो धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हो रही है मधुशाला पर, माननीय प्रतिमा यादव जिलाध्यक्ष। हाँ, ना एक है। अभी बरियाउन चौराहे से करीब 1.5 किलोमीटर आए हैं, और सामने की तरफ चलेंगे तो सुल्तान गढ़ पुल आएगा, और उसके आगे सम्मनपुर और फिर पट्टी जलालपुर चले जाएंगे, मालीपुर भी जा सकते हैं फिर। लेकिन अभी हम चल रहे हैं यहाँ से अमरौला की तरफ। ये एक पतली सी रोड गया है अमरौला को, आगे 2-3 गांव पड़ेंगे। कौन सा गांव है? सलाडीपुर पड़ेगा, दूसरा सलाडीपुर। यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हमारे यहाँ पर दौराही चल रही है, गेहूँ की मड़ाई, और एकदम लास्ट स्टेज पर आ चुका है। यहाँ पर भूसा भरा जा रहा है ट्राली में, और यहाँ पर दौराही हो रही है, मोड़ खाते हुए रास्ते हैं, बेहतरीन मोड़। ये देखिए, यहाँ पर जगह जगह पर इकट्ठा किया गया है गेहूँ, काफ़ी बड़ा खेत था, तो ऐसे जनरली हमारे यहाँ किया नहीं जाता है, ऐसे पता ना ही कहीं से कह लिए हैं। यहाँ पर केले की खेती भी हो रही है, और ये है प्राइमरी पाठशाला ग्राम सलाहुद्दीनपुर के नाम से, और इस साइड में कुछ भवन बने हुए हैं। और ये देखिए भाई साहब, ढेर सारे ऊपरी गाय के गोबर, भैंस के गोबर के कंडे, ढेर सारे ढेर लगा हुआ है पूरा। ऐसा टक टक ठक 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 ठक, हमारे यहाँ ऐसा ट्रैक्टर बहुत है, बकरियाँ चल रही हैं मौज से। अभी थोड़ी देर में शाम होने वाली है, तो वहाँ हमारे गांव के आसपास का माहौल काफी खुशनुमा हो जाता है, लेकिन लोग बाहर नहीं गए, गांव का नारा है ये अंदर वहाँ गई है ना, वहीं निकल गए। तो कुछ ऐसे हैं हमारे यहाँ के गांव। कहियो बढ़िया सड़क था, और यार साले साले साले।
प्राथमिक विद्यालय अमरावला नवीन शिक्षा क्षेत्र भगवतपुर देखेंगे अरे खोदत है देखा खोदत है। अभी हम आ चुके हैं नदी पर, नदी नहीं ये तमसा नदी है। तो अभी आपने देखा पीछे ये अमरावला गांव था जो हमारे यहां का एक नॉर्मल गांव है उसे हमने आपको दिखाया और अभी ये तमसा नदी पर आ चुके हैं और ये कहला भैया और ये नदी अकबरपुर शहजादपुर के बीच में है। आपको आपने अगर हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी अकबरपुर शहजादपुर की तो उसमें आपने देखा होगा और यही इधर से निकलते हुए आगे सुल्तानगढ़ को जाता है जब बरियाओं से पट्टी वाला रोड है उसमें पड़ता है। हमारे पीछे ये नदी पर जो ये पुल बना हुआ है ये पीछे सिकंदरपुर को जाता है और सिकंदरपुर हमारे यहाँ का बहुत ही फेमस है स्थान है, छोटी सी सिटी है मान लीजिए, कस्बा है। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक करके महाविद्यालय, इंटर कॉलेज और प्राइमरी विद्यालय है जो हमारे ज़िले में बहुत बड़ा स्थान रखता है। और हाँ यही नदी हमारी ससुराल को भी, ससुराल में भी मिलती है जहाँ पर हमारी बारात रुकी हुई थी एक महीने पहले जब हमारी शादी थी। अभी शादी की वीडियो कुछ दिन, दो चार दिन में हो सकता अपलोड करें। जो अभी थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हैं और फिर चलते हैं घर को, शाम के 6 बज चुके हैं। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।